ने इस्लाम अकबर पीर भॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाशी, एक अत्यंत पूरक शैक्षणिक संस्था के रूप में जाना माना हुआ एक कॉलेज है। यहाँ पर कई सारे विशेषताएं हैं, जिसका विद्यार्थियों के एजुकेशन के लिए बहुत फायदा होता है। इस संस्था के द्वारा अब कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी शुरू हुआ है, जो आपको एक अच्छा टीचर बनाने के लिए संपूर्ण तैयारी की जाती है। आपको एक मीनिंगफुल करियर मिलने का अवसर, आपको अलग पहचान बनाने के लिए परिपूर्ण इस शिक्षण के जरिए जॉब सिक्योरिटी भी दी जाएगी। ऐसे कई सारे विशेषताएं इस संस्था की है। यह संस्था 27 सालों से इस क्षेत्र में होने से अनुभवी संस्थाओं में से मानी जाती है। संस्था के टीचर का एक्सपीरियंस 18 से 27 सालों का है। यह एकमात्र संस्था है जिसमें बीएड सिखाने के लिए इंग्लिश, मराठी, हिंदी और उर्दू भाषा माध्यम में सिखाया जाता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा ऐसा शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, तो अंजुमाने इस्लाम अकबर पीर भॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाशी एक बेस्ट वे है। इस संदर्भ के बारे में अधिक जानकारी संस्था के प्रतिनिधियों ने दी है। अंजुमन इस्लाम अकबर पीर भॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द नवी मुंबई। दिस कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एक्रेडिटेड बाय नैक एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। अवर एम ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू मेक स्किलफुल, वैल्यू ओरिएंटेड एंड कमिटेड टीचर्स। We have established internal quality assurance cell, as well as we started the campaign Spread the Smile. Under this campaign, we have undertaken so many projects for the society. This college, our identity of this college is all the staff members have experience of 27 years, and results are best. After every alternate years, there are meritorious students and distinction holder. If you are interested in the B.Ed. admission, there is an online admission process is going on. 26th April is the last date for filling the form. Those who have 50% in the degree level, please contact at college. My contact number 9833923545. यह हमारा अंजुमन इस्लाम अकबर पीर भॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन करीब यहाँ पर 91 में हमारा ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, और आज 27 साल इस कॉलेज को हो गए हैं। हमारे यहाँ ये पहला, पूरे नई बम्बई के अंदर पहला कॉलेज है जहाँ पर उर्दू मीडियम से पढ़ाई की जाती है, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इन चारों मीडियम्स के अंदर हम तालीम यहाँ देते हैं। और करीब हर उसके बच्चे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ मुस्लिम बच्चे ही आते हैं, बल्कि हर कम्युनिटी के, हर मज़हब के यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। और तकरीबन यहाँ पर हम लोग 8 से 9 सब्जेक्ट्स की एजुकेशन देते हैं, जिसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, कॉमर्स, ज्योग्राफी। तो ये हमारे यहाँ है। और हमारी जो हम लोग फैकल्टी जो है, मैं सीनियर यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और यहाँ पर करीब हमारे जितने भी साथी हमारे हैं वो करीब 18 से 27 साल सबको यहाँ पर हो गए। इतनी सीनियर फैकल्टी शायद न्यू बॉम्बे में आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगी। और हमारी यहाँ जो है किस्मत, अभी लास्ट हमने 2015 में इसकी सिल्वर जुबली इस कॉलेज की मनाई थी। असल में हमारा ये इंस्टीट्यूशन जो है अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट, जो बम्बई का तकरीबन 150 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, तो वो उस इंस्टीट्यूशन के तहत ये उसके ही सब उसमें चलता है हमारा। हमारे यहाँ पर इसके अलावा भी पनवेल में भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और लेकिन यहाँ पर ये हम वाशी में बीएड कॉलेज की हम पढ़ाई दे रहे हैं। यानी बीएड कॉलेज जो है वो अभी पिछले साल, 2 साल से ये 2 साल का कोर्स कर दिया गया है। इससे पहले 1 साल का कोर्स था, लेकिन अभी हम इसको 2 साल का कोर्स किया गया है। और जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है, तो हमारे स्टूडेंट्स ने शुरू से, जब से कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ तब से ही हमारे स्टूडेंट्स जो है डिस्टिंक्शंस लेकर आ रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर। और पिछले 10 सालों से तकरीबन ये समझ लीजिए कि हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक
और डिस्टिंक्शन लेके आ रहे हैं। हमारी अभी 2010 में हमारी एक स्टूडेंट्स तूबा खान फर्स्ट रैंक लेके आई थी उसमें। फिर उसके बाद 2013 में हमारी एक राशि आहूजा स्टूडेंट थी, वो फर्स्ट रैंक लेके आई। और ये इसके बीएड में जो टोटल स्टूडेंट बैठते हैं वो करीब 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें से फर्स्ट रैंक लाना। और फिर जो हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं वो बहुत ही मतलब अगर हम ये कहें बहुत वेल ऑफ नहीं होते, लेकिन हम सबको अकोमोडेट करके चलते हैं जितने भी। और ये है कि इसका एक हमारा जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका कॉलेज का हमारा चल रहा, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस जॉनजुमन इस्लाम वीटी पे है, उसके ही तहत ये कॉलेज चलता है। और यहाँ पर जो हमारे कॉलेज के चेयरपर्सन होते हैं वो चेयरपर्सन हमारे मिस्टर बुरहान हारिस सर हैं और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर असमा शेख, तो ये है। और करीब हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी हमारी, उसके अंदर तकरीबन 5,000 किताबें होंगी और उनमें भी हम बुक बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे जो रूम्स जो कॉलेज में हमारी टीचिंग होती है, वो टीचिंग हमारे मोस्टली वो हमारा पावर पॉइंट स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही होती है, इंटरनेट के थ्रू हमारी टीचिंग होती है। और बच्चे जो हैं हमारे, हम कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा लगता है जैसे बहुत में है, लेकिन ये कि हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं तो उनको फौरन हाथों हाथ लिया जाता है, क्योंकि कॉलेज का जिस तरह से हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं और जब वो ट्रेनिंग के बाद वहाँ कॉलेज जाते कहीं किसी भी स्कूल में या अप्लाई करते हैं, तो पहले ही अंजुमन इस्लाम कॉलेज ऑफ अकबर पीरवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। और ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स हमारे खुद हमारे अंजुमन इस्लाम के बहुत सारे स्कूल्स हैं, यहाँ नई बम्बई में भी है और बम्बई में है और दूसरे इसके अलावा पूना में, पंचगनी में, जहाँ भी हमारे हैं, तो ज़्यादातर तो हमारे ही इंस्टीट्यूशंस के अंदर सब एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि दूसरी जगह भी अगर जाते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को नई बॉम्बे, अगर बॉम्बे की हम बात करेंगे तो तकरीबन हर स्कूल में कम से कम 10-15 हर स्कूल के अंदर, चाहे वो एवलॉन हाइट्स की आप बात कर लीजिए, चाहे आप सेंट मैरीज की बात की, फादर एग्नल, जितने भी अच्छे यहाँ के हैं उनमें सब में हमारे स्टूडेंट्स हैं। और बहुत सी जगहों पे तो हमारे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो ये हमारे अंजुमन का, हमारे इसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, हर साल 100 रहते हैं। और इसमें दो मतलब हमारे यूनिट्स कहलाते हैं, 50-50 के यूनिट्स होते हैं। और उसके अलावा यह है कि जैसे जो डिफरेंट मैंने आपको सब्जेक्ट्स का बताया कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो उसमें जैसे ऐसे स्टूडेंट्स आते जाते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, किसी में 20। उसके फिर इसके अलावा जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब कम्बाइंड क्लास होती है, दो यूनिट की अलग अलग उसके अंदर।